गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस मैं अभी छोटी होली बनाने के लिए आ चुका हूँ अपनी बुआजी के घर। गांव का नाम बता दो भाई। भाई होली नहीं रुकेगी आज, आज होली नहीं रुकेगी। आप भाई बताओ, आप मोहल्ले की हर मोहल्ले के अपने अपने बम होते हैं। हाँ, जैसे ही शाम होती है। जय श्री राम। है ना, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने वाली है ना, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे मेन हम होली का दहन करेंगे वहाँ पे आने वाला है भाई मेन मजा। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हर मोहल्ले की अपनी अपनी बम होती है, सब अपने अपने मोहल्ले में बजाते रहते हैं, जैसी शाम होती है वैसे बजाना शुरू कर देते हैं। ओके। लेकिन जैसे ही होली का मुहूर्त हो जाता है कि जैसे 7 बजे होली फूकनी है या 9 बजे होली का दहन होना है, तो धीरे धीरे सारी बम एक जो होली का जहाँ हमारी फूकती है वहाँ पे जाने लगती है। मतलब हर मोहल्ले के जिनके भी जितने भी बम है सब अपने बम्बों को लेके वहाँ पे आते हैं, एक एक बम्बों को लेके आते हैं और बाकी वहीं पे भी बजाते रहते हैं उस जगह पे भी, और एक जगह जाके वो सारी बम असेंबल हो जाती है, असेंबल हो जाती है वहाँ पे सारे के सारे गाँव वाले, और फिर वहाँ से फ्लाइट लेती है इकट्ठे होने के बाद सारे के सारे एक साथ बम बजाते हैं जय श्री राम। बहुत ही अच्छा माहौल होता है, एक एम्बियंस बन जाता है, फील आ जाती है बिल्कुल ऐसी की मतलब कोई फेस्टिवल को असली तरीके से सेलिब्रेट करना एक साथ। मतलब भाई ये जो परंपरा है ना बहुत कम गांवों में चल रही है, तो उनमें से एक ही है। इनफैक्ट दिल्ली में बस यही गांव है जहाँ पे ऐसे वाले बम बसते हैं, मेरे वहाँ पे भी बसते हैं, पर वैसे वाले ढोल बसते हैं, मैं डाल देता हूँ नीचे कैसे वाले। और नहीं है कि मतलब हर मोहल्ले वाले ना अपनी अलग होली बना रखी हो, पूरे गांव की एक ही होली फूकेगी और सारे गांव वाले एक ही जगह जाके इकट्ठे होके, उससे ये भावना भी आती है कि कोई भी त्यौहार हम अगर मनाते हैं तो एकजुट होकर मनाने वाले, एकजुट होकर मनाना चाहिए, फेस्टिवल का मतलब ही वही है। तो अभी जो आपको मजा आने वाला है ना इस वीडियो में, आओ वही चलते हैं। भाई एक नंबर वीडियो होने वाली है, देखते रहना विदाउट स्किप करे हुए। अपना हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें होली का दहन करना है, और धीरे धीरे करके ना और भी लोग यहाँ पे एकत्रित होते रहेंगे और ऐसी भीड़ होती रहेगी। तो चलिए आप सीधा ना सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए और उसके बाद में आपको बताता हूँ कि इसके मान्यता क्या है, हम ऐसा क्यों सेलिब्रेट करते हैं।
क्या जी दहन के ऊपर जला हुआ। अच्छा हाँ, वो तो होली का दहन होता है इसलिए जलाते हैं ना। बाल ढूंढने आते हैं ना। अच्छा ये सिर्फ ये है कि हमारे फसल को बचाने के लिए, बचाने के लिए और बाल इसलिए तो अपनी फसल तैयार हो रही है उसको ये बाल ढूंढ कर ले जाकर। हाँ जी, फसल अच्छी आए, फसल अच्छी आए, सारे मिलके इसलिए करते हैं होली दहन भक्त प्रहलाद के लिए। अच्छा, पूरा गाँव एक मतलब इकट्ठा होता है ना, सब ले लेके आते हैं और सब अपना करते हैं। तो कितने टाइम से बन रहा है आपके गाँव में है ना ये? तो जब से कोई गिनती नहीं है इसकी, तो 850 साल से यहाँ, मतलब जब से आप यहाँ पे हैं, जब से आपका गांव बना है। पहले हमारे पापा दादा। हाँ जी, उससे पहले राजस्थान में था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलो थैंक यू। ऊपर तले कई पीढ़ी होगी है ना, कई पीढ़ी होगी अभी तो। अभी से ऐसे कितनी देर तक रहेगा ये होली का दहन? जब पूरी रात तक चलेगा, जब तक ठंडा नहीं हो जाती है ना, अगले दिन तक कोई छेड़ेगा नहीं, इसे 2-3 दिन तक। अच्छा, और भाई ये जो ढोल बजाते हैं इसकी क्या परंपरा है? अच्छा, इसे खुशी में, इसकी खुशी में है ना कि होली आ रही है तो खुशी में बजाते हैं, है ना? होली की खुशी में, होलिका के मरने की खुशी में, होलिका के मरने की खुशी में। थैंक यू। प्रहलाद के बचने की खुशी। हाँ जी, धन्यवाद। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि क्यों मनाया जाता है, मेरे को सब पता था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना किसी बुजुर्ग के मुंह से आपको सुनाई जाए, मतलब पूछवाई जाए, तो मैंने ऐसा ही किया। तो भाई होली का दहन हो चुका है जैसे कि आपको अंदर दिखाया। अब एक एक करके ना सब अपने घर जाने लगे हैं। जैसे ये देखो, ये निकल चुके हैं अपने बम लेके अपने घर की तरफ। जा रहे हैं यहाँ पे देखो। ऐसी बजाते बजाते ना सब अपने अपने घर चले गए थे। और यार मेरे को तो ना वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल फील हुआ, आई होप आप सभी को भी हुआ होगा। और यार फिर ना मैं वहाँ से निकल गया था क्योंकि मेरे को घर पे जल्दी जाना था, तो मैं फटाफट वहाँ के घर गया, वहाँ से खाना वाना खाया और फिर अपने घर आ गया था। और बाकी कल ना मैं होली पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत अच्छी वो वीडियो होने वाली है। मैंने पिछले साल भी ना होली पे वीडियो बनाई थी, तो आई बटन पे आ रही होगी, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और यार मेरे को भी बताना अगर आप में से भी किसी के वहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं या करते थे तो कमेंट्स करके बताना। बाकी चलते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो के साथ।